और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी से सस्पेंड किए गए ताहिर हुसैन के घर पर अब पहुंची है फॉरेंसिक टीम। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची है वही घर जहां से बड़ी संख्या में पेट्रोल बम, पत्थर, एसिड बरामद किया गया था। अमित प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, फॉरेंसिक टीम पहुंची है जांच के लिए ताहिर हुसैन के घर। विशाल, देखिए कल से हम लगातार जो तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं और किस तरीके से ताहिर हुसैन का ये घर दंगे की प्रयोगशाला के तौर पे इस्तेमाल हुआ, हम लोगों को लगातार बता रहे हैं। थर्ड फ्लोर पे एसिड वाले पैकेट्स के बॉम्ब मिले थे, पेट्रोल बॉम्ब मिले थे, उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें, और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे आरोप है कि तकरीबन 4 से 5 लोगों की हत्या ताहिर हुसैन के इसी घर में की गई। ऐसे आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। खुद अंकित शर्मा के परिवार वालों ने ये आरोप लगाया था कि जो उनकी हत्या की गई है उसमें बहुत बड़ा हाथ इस घर का रहा है, और इसी घर में अब पहुंची है एफएसएल की टीम, जहां एफएसएल की टीम तमाम अपने इक्विपमेंट्स के साथ जांच के लिए पहुंची है। यहां से सैंपल्स लिए जाएंगे और उन सैंपल्स से, जैसा हम कह रहे हैं, ये बहुत अहम सबूत होंगे विशाल, जिनकी जांच की जाएगी, जिन सबूतों को लेके इस बात को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन का ये घर किस तरीके से दंगों के दिन इस्तेमाल हुआ, कैसे इस घर के हर फ्लोर से पेट्रोल बम फेंके गए, एसिड बॉम्ब फेंके गए, पत्थर फेंके गए, तमाम दूसरी चीजें, यहीं से आप ये सोचिए, दिल्ली को दहलाने के लिए, दंगों की आग से दहलाने के लिए इस घर को एक बहुत बड़े सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कल मैं जब यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा था विशाल, मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि जो बेसमेंट से लेके और फोर्थ फ्लोर तक का जो पूरा हिस्सा हमने जो तहकीकात की, जो चीजें हम लोगों को वहां से मिली, उसमें ये बिल्कुल भी साफ था कि ये कोई डोरमेंट इलाका नहीं था। यहाँ लोग लगातार यहाँ पे स्टेशन थे, यहाँ पे लोग रह रहे थे, यहाँ लोगों ने अपना बेस बनाया हुआ था, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, और उन टुकड़ों को तोड़ के बड़े बड़ी बोरियों में भर के अलग अलग कमरों में रखा गया था, सीढ़ियों पे रखा गया था, ऊपर छत पे रखा गया था। तो इन तमाम चीजों की जांच जरूरी है। आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। ताहिर हुसैन का वो घर जहां से अमित प्रकाश बता रहे हैं किस तरह से वहां पर गुलेल, वहां पर एसिड, वहां पर पेट्रोल बम बरामद किए गए, अब फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है जांच के लिए। ये जांच बेहद अहम रहने वाली है। और दिल्ली में हिंसा क्या सुनियोजित साजिश थी? क्या दिल्ली की हवा में जहर घोलने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया था? ये हमने दिल्ली में हिंसा के बाद के निशान बता रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा की रिपोर्ट। ये देख रहे हैं आप, जो लोग कह रहे थे ना कि ये अचानक से दंगा हुआ, ये पूरा प्लान्ड दंगा था, सोच समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ, महीनों की तैयारी के साथ। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, ये गुलेल बनाई गई है पूरे टांगे में, मतलब ये पूरा जो ठेला है, ये देखिए लोहे की रॉड्स हैं, इसको वेल्ड करके प्रॉपर वेल्डिंग हुई है, पूरा फ्रेम इसका ढांचा तैयार किया गया है, ये ठेला जो है उस पर इसको वेल्ड किया गया है, पेच कसे गए हैं, ये देखिए दोनों तरफ पेच कसे गए हैं, ये पेच यहाँ पर कसा गया है, ये पूरा वेल्डिंग करके ये ठेला नुमा गुलेल बनाई गई है पूरी तैयारी के साथ, और दोनों तरफ जो है ये पूरा एंगल बनाया गया, फ्रेम बनाया गया, और ये गुलेल देखिए आप, मतलब ये गुलेल से जब आप टारगेट करेंगे तो वो आगे की तरफ जाएगा। इसमें पेट्रोल बम, ये देखिए पेट्रोल बम है, इसमें तमाम चीजें, कंचे, कांच, पत्थर, मोटे मोटे ईंट पत्थर, और इस गुलेल के जरिए जब आप टारगेट करेंगे, इतनी बड़ी गुलेल बनाई गई है, क्योंकि इसमें हर चीज जो है वो उससे निशाना लगाया जा सकता है। जो हमने आपको दिखाई थी वो स्कूल की छत से जब टारगेट किया गया, तो दूर जो है मंदिर है, तमाम दूसरे जो इलाके हैं, ये पूरी गुलेल, ये सबूत है बताने के लिए कि पूरा सोची समझी साजिश, प्लान्ड तरीके से साजिशन, दो दो महीने तैयारी करने के बाद ये इस दंगे को अंजाम दिया गया। ये तैयारी रातों रात नहीं हो सकती है, इसके लिए बाकायदा पहले से प्लानिंग की गई, तैयारी की गई, तभी यह संभव हो सकता है। दिल्ली के करावल नगर में आज सामान्य हालात हैं। हमारे संवाददाता अमित प्रकाश ने वहां क्या हालात हैं इसका जायजा लिया। करावल नगर की तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले दंगे की आग में झुलसा हुआ यह पूरा इलाका अब धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम कह सकते हैं हालात सामान्य की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। ये सामने की सड़क जो आप देख रहे हैं, इस पर थोड़ा ट्रैफिक अलाउ किया गया है अभी, और आप इन गलियों से जो लोग निकल रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं से आ रहे हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, अब ये व्यवस्था पुलिस ने की है कि अब लोगों को यहाँ से आने जाने की इजाज़त दी जाए, और इसीलिए आपको थोड़ी ये चहल पहल दिख रही है। मैं ज़रा जिन गलियों का जिक्र कर रहा था पहले, आपको वो भी तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो तमाम गलियाँ हैं अलग अलग, वहाँ से आप देखिए अब लोगों को आने जाने की इजाज़त दे दी है। कल इन गलियों तक
हम जब पहुंचे थे तो पता चला था यहाँ से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। ये पूरा हिस्सा उस वक्त बंद था, लोग अपने घरों में थे, लेकिन आज पुलिस की ये कोशिश है कि जो लोग आ जा रहे हैं उनको एक्सेस दी जाए आने जाने की। शुक्रवार की प्रेयर को लेके भी सारी व्यवस्था पुलिस ने की है और पुलिस लगातार मार्च कर रही है। कई बार पुलिस की तस्वीरें देख के लोगों को लगता है कि पुलिस आ रही है, लेकिन दरअसल पुलिस का ये कहना है कि हम लगातार जो ये मार्च कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, उसमें हमारी कोशिश ये है कि लोगों के बीच ये विश्वास बनाए कि अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं चीज़ें और बहुत हद तक ठीक हो गई हैं। हम पर भरोसा करिए, हम आपके बीच में हैं और कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल है और धीरे धीरे और भी नॉर्मल होता जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, फ्राइडे प्रेयर्स को लेके लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, यहाँ आने जाने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं, जो कहीं जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, फेस्टिव सीज़न है आगे आने वाले वक्त में, सबको एक्सेस दी गई है। जो फ़ोन कॉल आए, जो मैसेजेस आए, उसमें ये आए कि अब से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो, इसकी कोशिश आप अपने मैसेजेस में करें। अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो अपील करिए कि सब शांत रहें, अब कुछ नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं और आपकी कोशिश अगर जारी रहेगी तो आने वाले वक्त में चीज़ें और भी तेज़ी से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगी। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों से हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं कि अब वहां क्या स्थिति है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।